हम बढ़ते हैं अपने तीसरे लक्षण की ओर, जिसे कहते हैं उपापचयन। उपापचयन अर्थात मेटाबॉलिज्म। उपापचयन से तात्पर्य है हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचयन कहते हैं। जैसे हम श्वसन करते हैं, हम पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परासरण नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो इन सभी क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचयन कहते हैं। ये जो उपापचयन है ये दो प्रकार का होता है। पहले कहते हैं उपचय या उपचयन अर्थात एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है अपचय या अपचयन अर्थात कैटाबॉलिज्म। उपचयन में चीजों का या तत्वों का संश्लेषण होता है या निर्माण होता है, जबकि उपचयन में तत्व टूटते हैं या उनका विखंडन होता है। जैसे मैं सरल समीकरण से आपको बताऊंगा, 6CO2 प्लस 6H2O और ऊर्जा मिलकर बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। ये है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण, तो हम कह सकते हैं उपचयन में सरल अकार्बनिक तत्वों के संयोजन के द्वारा जटिल कार्बनिक तत्वों का संश्लेषण होता है, और इस विधि में ऊर्जा प्रयोग की जाती है, ऊर्जा का उपयोग होता है, जबकि अपचयन में जटिल कार्बनिक तत्वों का सरल अकार्बनिक तत्वों में विघटन होता है और इस क्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसको हम कहेंगे श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक दृष्टि से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत क्रिया है। इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है और इसमें ऊर्जा मुक्त की जाती है। अब उपचयन के अन्य उदाहरण, दूसरा उदाहरण है प्रोटीन संश्लेषण। इसको अनुवादन भी कहते हैं। इसमें अमीनो अम्ल आपस में संयोजित होकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, जबकि अपचयन का दूसरा उदाहरण है प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में टूटना। उपचयन का तीसरा उदाहरण है लिपिड संश्लेषण, और अपचयन का तीसरा उदाहरण है लिपिड्स का वसीय अम्लों मतलब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाना। तो आपने देखा यहाँ पर सभी क्रियाओं में संश्लेषण हो रहा है और यहाँ पर सभी क्रियाओं में विघटन हो रहा है। तो ये है दो प्रकार के उपापचयन, उपचयन और अपचयन।
अब ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसमें उपचयन और अपचयन सदैव एक साथ चलता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं, ये है श्वसन। श्वसन वैसे तो अपचयी क्रिया है। अब श्वसन के कुछ चरण होते हैं, जैसे सबसे पहले ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है और इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, विघटित होना, अर्थात अपचयन। ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूटता है और ये पाइरुविक अम्ल एसिटिल को एंजाइम ए के दो अणुओं में पुनः टूट जाते हैं। इसके पश्चात ये एसिटिल को एंजाइम ए एक चक्र में प्रवेश करता है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्र, इस क्रेब्स चक्र से हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन यहां से लेकर यहां तक हमने पढ़ा कि अपचयन हो रहा है, परंतु क्रेब्स चक्र के और ग्लाइकोलाइसिस के बहुत सारे मध्यवर्ती तत्व होते हैं। मध्यवर्ती तत्व मतलब जो बीच बीच में बनते हैं। जैसे यहां पर मैं एक मध्यवर्ती तत्व बना रहा हूं जो है अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये क्या करता है, इसके बहुत सारे अणु टूटकर बनाते हैं सक्सिनिक अम्ल, लेकिन इसके कुछ अणु आपस में संयोजित होकर एक अमीनो अम्ल बनाते हैं, उसे कहते हैं ग्लूटामिक अम्ल। और ये ग्लूटामिक अम्ल पुनः संयोजित होकर बनाता है प्रोटीन्स। इसका तात्पर्य है यहां से लेकर यहां पूरे में तो चल रहा है अपचयन, लेकिन यहां से लेकर यहां तक साथ साथ में उपचय या उपचयन भी चल रहा है। मतलब श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है एम्फीबॉलिक क्रियाएं। इसका उदाहरण है श्वसन। तो आप कह सकते हैं उपचयन प्लस अपचयन बराबर एम्फीबॉलिज्म। तो ये था उपापचयन। अब प्रश्न आता है उपापचयन हमारा महत्वपूर्ण लक्षण है और ये साथ में हमारा पारिभाषित गुण भी है। जबकि आपने देखा था जनन और वृद्धि पारिभाषित गुण नहीं थे, लेकिन उपापचयन हमारा पारिभाषित गुण है। इसका कारण ये है कि एक तो उपापचयन निर्जीवों में नहीं पाया जाता, दूसरा उपापचयन को प्रयोगशाला में पात्रे भी किया जा सकता है। उदाहरण, जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तो वो गर्भाशय अर्थात यूट्रस में होता है, लेकिन यही निषेचन
पात्रे में मतलब प्रयोगशाला में परक नली में भी किया जा सकता है, उपापचयन परक नली सभी रासायनिक उत्पन्न क्रियाओं का सामूहिक रूप था। उपापचयन हमारा पारिभाषित गुण है क्योंकि ये निर्जीव वातावरण में भी हो सकता है और ये निर्जीवों में नहीं होता।